Hi everyone, so today I'm going to introduce with my one of special friend. So हम दोनों ऑनलाइन क्लास में ही मिले थे. सो टुडे शी इज हियर. हेलो. हाय. सो हाय. इन पर्सन हम लोग मिले एंड हर नेम इज अर्पिता. सो तुम अपना इंट्रोड्यूस. हम लोग ऑनलाइन क्लास में मिले हैं. तो हम लोग फर्स्ट हम लोग का फोन नंबर एक्सचेंज किया फर्स्ट क्लास में, क्योंकि मैंने सुना वो बोली थी कि वो यूट्यूब ब्लॉगर है. तो और मेरा टाइटल दास था, तो मैंने सोची थी मैं बंगाली हूँ तो शायद मैं भी बंगाली होगी. हाँ, तो इसलिए मुझे इंटरेस्टेड लगा इसके नाम और उसका सरनेम देख के. तो मैंने बोला अच्छा चलो मेरे फ्रेंड मिल गए. तो हम पहले जूम क्लास में ही मिले थे. तो हम दोनों एक ही कोर्स कर रहे हैं, तो उसी क्लास में हम दोनों मिले थे. एंड आई थॉट दैट शी इज वेरी फ्रेंडली. वो बहुत ही आई थॉट वेरी शाई. बढ़िया बढ़िया. वो बहुत ही ब्यूटीफुल और चबी और बहुत बात करती थी वो क्लास में. मुझे वहां से ही मैं मोटी हुई है, दुबली पतली तो वो इतना बात करती थी वो टीचर के साथ. मैं सोची ये तो बहुत ही अच्छी है. तो मैंने सोची थी कि हाँ ये मेरा फ्रेंड है, तू अच्छी है, लग रहा है इसके साथ बात कर सकती हूँ. क्योंकि ये मेरे से ज्यादा बात नहीं कर रही थी उस टाइम. क्योंकि बहुत फॉर्मल हो रही थी. आप इतना आप कर रहे, लग रहा है मैं तेरे से लग रही हूँ बड़ी हूँ. नहीं एक्चुअली मुझे ना फ्रेंड बनाने में बहुत बैड स्टोरी है, इसलिए मुझे थोड़ा डर लगता है फ्रेंड्स बनाने. तू ज्यादा आप कर रही थी तो मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही थी. कि उसके बाद आई थिंक एक दो कन्वर्सेशन के बाद तू फोन में ही तू स्टार्ट हो गया. हाँ, मैं इसको फोन किया था. मैंने बोला कि इधर मैसेज में इतना आप थोड़ा बात कर लीजिए, क्योंकि इसका व्लॉगिंग चैनल मैंने देखा. वो अच्छा ये तो अच्छा ही है, इसके साथ बात कर रही. मतलब इसके घर आने से पहले मैं इसका व्लॉगिंग देख के पूरा, मतलब मैं भी एक सब्सक्राइबर हूँ उसका. इसका व्लॉगिंग मुझे ज्यादा अच्छा लगता है. और बहुत क्यूट क्यूट छोटी छोटी बेबी है. अभी लोग को उस घर पे बंद करके थोड़ा गप्पे मारेंगे. मुझे आने का मन नहीं कर रहा था दोनों को छोड़ के. वो छोड़ नहीं रहे दोनों उनके उसके साथ ही लगे छोटे छोटे दो बेबी है. मतलब मैं वीडियो में देखती थी, मुझे लगा तेरा छोटू छोटू बेबी बहुत क्यूट है, मुझे जाना है लोगों को पकड़ना है. और छोटी बच्ची छोड़ भी नहीं रही. हाँ, इतने अच्छे से पकड़ के रखी. और इतने दिनों में कोई बच्चा मुझे इतना अच्छे से जकड़ नहीं आया. सो आफ्टर कितने दिन के बाद हम मिले? हम मिले थे क्लास हो गया 2 months के बाद. मार्च को हमने क्लास स्टार्ट किया ना. मार्च अप्रैल. हाँ, मार्च अप्रैल. सो मार्च अप्रैल मई में हम जाके मिले हैं. तो हम फिर मिलते रहेंगे. हम लोग का फर्स्ट मीटिंग है. सो आई थॉट द टू मेमोरेबल रहे, तो ब्लॉक में रहेगा तो हमेशा फॉर एवर रहेगा. तो इसीलिए मैं इसके लिए कार्ड भी लिखा हूँ. को वो कार्ड मैं दिखाऊंगी. डेट नहीं दिखाने मैं उसका फ्रंट दिखाऊंगी. और वो मेरे लिए एक अच्छी सी गिफ्ट लाई है. बहुत ही पसंद है मेरे, क्योंकि मुझे लगा कि चॉकलेट बच्चे के लिए ठीक है और मिठाई वगैरह तो सब लोग खाते हैं. ये घर सजाने में इसका घर वाव है, तो ये डेकोरेशन बहुत अच्छी करती है. इसलिए मुझे लगा कि ये माता को डेकोरेशन में इंटरेस्टेड है तो वही चले. मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत है. आप लोगों को दिखाऊंगी इसका. मैं बोला कि आज तेरे पेंटिंग में चुरा के लेके जाऊंगी. बोला कि नहीं नहीं मैं तुझे ज्वाइन करके दूंगी. मैं चुराऊंगी कुछ ना कुछ. बहुत सारे इसके घर पे ले सकते थे. ले सकते फिर भी मैं तेरे लिए अच्छी सी ठीक है बना. मैं आज चोरी करके लेके जाऊंगी कुछ ना कुछ लेके जाऊंगी. इसका पेंटिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है. आप लोग सही देखे हो इसका पेंटिंग, वो एकदम प्रॉपर पेंटिंग. मैं ट्राई करती हूँ. नहीं ये अच्छी है. सुपर मॉम है. ब्लॉगिंग उसके साथ स्टडी भी करती है. घर को फुल क्लीन. कोई नहीं बोलेगा कि मैं इतना एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ कि यूट्यूब चैनल पे
बट मैं इसके घर आई कि हाँ ऐसे नहीं कि यूट्यूब चैनल कर रही है इसलिए घर को पूरा क्लीन रखिए, एक्चुअली शी इज वेरी हार्ड वर्किंग. अच्छा लगता है इसके इसको देख के मेरे को अच्छा लग रहा है. अच्छा ठीक है, आई वुड बी मोम तेरी तेरे साथ घर में क्लीन वगैरह कर सकती हूँ क्योंकि इसको देख के सब कुछ कर सकती है. इसके इसको देख के लगा हाँ बच्चे रहने से घर सफा रहता है, लाइफ वेल मेंटेन भी होता है. तो शी इज सब कुछ मैं मोटी हूँ तेरे पास बैठने में मुझे तो मोटी नहीं है तो बहुत सुंदर मैं दिख रही हूँ. बहुत दिनों से कुछ खाई नहीं बुक नहीं ये एक्चुअली ऐसे वाले फिगर सब लोग चाहते हैं, मैं भी चाहती हूँ. मैं नहीं चाहती हूँ, कभी कभी मुझे चाहिए कि थोड़ा तो मैं यहाँ पे थोड़ा फ्लेस ले ले थोड़ा देख काट काट ये मेकअप नहीं करती है बाय द वे, मैं मेकअप किया तो ये नहीं फुल नेचुरल है. मैंने बोला तुम मेकअप वगैरह लगा ले तो अच्छा और लगे. मेकअप नहीं कहाँ से लगाओ वो. अच्छा ठीक है तुझे नेक्स्ट टाइम मैं यूट्यूब ब्लॉग में बोलूँ तो मेकअप मैं गिफ्ट करूंगी. और मुझे लगा ना नहीं आता तो मैं लगा भी दूंगी. हाँ तो मुझे लगा है ना उसके बाद देखते हैं कैसे निकल गया. मेरे पास बस काजल और लिपस्टिक है बस ना. ठीक है तो अच्छा है बट इसके बेबी जो है इसके बड़े बेबी जो है वो उस मेकअप में उसका इंटरेस्ट है. अच्छा है मुझे भी मेकअप में मुझे भी इतना मेकअप नहीं करना. देखिए कितना बात करते है ऐसे ही जब से आई है वो बात करती ही जा रही है. लग रहा है बोले अब घर पे जा प्लीज जल्दी ना घर पे जा तेरा मुंह तो पता नहीं तो जब छोटी होगी तब कितना बात करती होगी. मेरे स्कूल में भी बात करती होगी मतलब स्कूल में क्या पता नहीं था. ठीक है हाँ बड़े में मेरे बहुत सारे फ्रेंड था मतलब कोई कोई फ्रेंड मेरे साथ मतलब झगड़ा भी कर लेता था पर बहुत ही अच्छी है. मैं ऐसा टाइप की लड़की कहीं नहीं देखी हूँ. मुझे लग रहा है कि हम लोगों की दोस्ती आगे बढ़ेगी क्योंकि वो कुछ मेरी टाइप की है तो इसलिए. पर मेरे से ज्यादा है मुझे नहीं देखो मेंटल मैच ज्यादा चाहिए होता है कोई कम होता है कोई ज्यादा होता है बट हाँ अगर मैच करना तो फ्रेंडशिप वो बिंदास है किसी की कोई भी बात पकड़ के नहीं मुझे गाली भी देगी तो आई डोंट माइंड. ठीक है करती हो तुम तो दिया ना दिया मुझे तो बोला मुझे मैं बोली उड़िया में अर्पिता गुट्टे फुले सो शी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट मीनिंग और वो कुछ और बोलने लगी. अभी वो क्या ये थोड़ी ना गाली था फुले मतलब कुछ जैसे क्या मैं क्या कैसे बोला. हाँ ठीक है बोला तो वो बोला ठीक है तो जो उड़ीसा के लोग आज मैंने बोला कि हाँ चला सारा दिन वो मुझे कॉल कर रही है कि व्लॉग बनाएंगी. अच्छा व्लॉग बना मैं कुछ भी कर लूंगी तू आके तो. हाँ आज मैं सोची थी कि आज खाने में बहुत बहुत चीज था जो ये मैंने बनाई तो ना बना तो तेरे ही मास्टर शेफ ने खाना बनाया रही. आज मैं मटन खाई आज फर्स्ट मेनू बोल रही हूँ. आज राइस था मटर पनीर था रायता था पूरा क्यूकम्बर टमेटोज एंड दही के साथ. कुछ नहीं बनाई मैं पापड़ सब कुछ हमें रसमलाई चाय पकोड़े और भी कुछ है बाद में खाऊं बाद में मिठाई. हाँ रसमलाई सब कुछ होता तो बहुत पेट भर गया ऐसे ही देख रहे सब लोग ऐसे भर भर रहा है कितना अच्छी लग रही. और मैं पूरा खाना खाती हूँ मैं बोलती नहीं खाऊंगी बट एक्चुअली जब आ जाता है खाना खा ही लेती मैं लालची हूँ. और मैं जब खाना देखती हूँ मुझे लगता है मैं सब कुछ खा लूंगी पर जब खाने के टाइम में पता चल रहा नहीं खाऊंगी. वो एक्चुअली अच्छा है ज्यादा ये अमेरिका में क्या होता है लोग खाते खाते मुड़े. मैं ऐसे नहीं थी मैं इतनी तरह भी नहीं थी मैं दुबली थी पर तू ज्यादा दुबली है आफ्टर टू बेबीज ये और सारा दिन काम भी करती है. बैग देना थोड़ा नहीं पूरा घर को संभालना बेबी को संभालना ऊपर से क्लास भी करना ऊपर से ब्लॉगिंग भी करना और कुछ है सुपर वुमन है आप लोग कमेंट में बताना. देखते हैं प्लीज सब लोग उसको सब्सक्राइब प्लीज कर देना क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्किंग लेडी है. बस फर्स्ट टाइम ये लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट किया अभी 6 months हो गया है. हाँ स्टार्ट करते हुए तो पता नहीं चला कहाँ वक्त बीत गया. कोविड टाइम में ही स्टार्ट हुआ था.
अच्छा है ब्लॉगिंग? हाँ मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए कर रही हूँ। अच्छा है, मेरे को देखने में, देखो इसका ब्लॉगिंग देख के इसको मैं पता चला कि हाँ चलो कैसी है, कैसी है देख अच्छा है ब्लॉगिंग देख के कुछ कुछ सब्सक्राइबर भी मे भी तेरे आसपास में कोई होगा शायद, अगर तेरा अपकमिंग फ्रेंड भी आएगा मे सब्सक्राइबर में कोई हो तुझे देख के कोई आएगा सब्सक्राइब करने, बाद में फिर से मिलने के लिए यूट्यूब पे आएंगे और क्या कहा पे देखे यूट्यूब में याद रखना फिर से उसका एक यूट्यूब चैनल आएगा आई थिंक फॉर श्योर आ जाएगा अगर अगर ये मुझे सिखा देगी तो एडिटिंग कुछ भी नहीं है वो कॉलेज सिखा देगी तू सिखा देगी ठीक है मैं सिखा लूंगी ये उसका भी आ जाएगा ये फेमस हो जाए फिर लोग सोचे अरे मैं इससे मेरे अभी अपकमिंग चैनल आने की प्रमोशन चल रही है नहीं ये व्लॉगिंग करना हर किसी के बात नहीं है व्लॉगिंग एक एक होता है मतलब वो भी एक काम की तरह ही होता है ये प्रोफेशन की तरह ही होता है तो कर लेगी तो अच्छी डांस करती है अच्छी वो जो डांस करती है तो हाँ डांस दिखाओ क्या नेक्स्ट व्लॉग में डांस दिखाऊंगी मंकी डांस उसके साथ आप लोग एम दिशा मीन्स दिशा का भी मंकी डांस देखो मुझे डांस तो नहीं आज तो क्या हुआ हम लोग दुर्गा पूजा होता है कुछ भी तेरे तेरे में क्या होता है क्या होता है हाँ कोई तो ओकेशन दुर्गा पूजा ही होता है और कुछ भी वो एक झूले में चढ़ने के लिए होता है ना उड़िया में ये राजा 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 उसमें भी तो कुछ फंक्शन वगैरह कुछ तो होता है वो तो झूल हाँ झूले पे झूल झूल के उसके ऊपर उतर के डांस होता है तो हाँ वही एक डांस चलेंगे हम लोग तो फिर से तू आएगी पूरा प्रॉपर हम लोग कोरियोग्राफ करेंगे बच्चों को भी साथ करेंगे बेबी शार्क करेंगे क्या बेबी फिर से प्लान करते हैं फिर से मिलते हैं और तो फिर से जल्दी आ जाएगी सैटरडे को आ जाएगी तो बहुत रात को इतना बकूंगी लास्ट में अमित हम लोगों को मुझे मेरे हस्बैंड इतना बकता नहीं है इसका ये बोलेगा अच्छा तू लोग हंस हंस के बाहर जाकर हंस भाई सोने दे हम लोगों को कुछ नहीं हम यहाँ आ जाएंगे उन लोगों को सोने देंगे हम रात में मजे करेंगे कुछ खेलेंगे बहुत ही मजा आएगा हम लोग मिल के खाना बनाएंगे और व्लॉगिंग भी करेंगे हाँ नेक्स्ट टाइम बहुत सारा टाइम रहेगा आज कभी कभी हम लोग कुछ व्लॉगिंग में देखते हैं फूड चैलेंज मैं तो फूड चैलेंज में लग रहा है फास्ट हो जाऊंगी गुपचुप चैलेंज करते हैं वो भी गुड प्लान नेक्स्ट टाइम हम जब मिलेंगे तो गुपचुप चैलेंज करेंगे दिस इज अ गुड प्लान तो फिर से हम मिलेंगे हाँ जब मिलेगा वो वाला ब्लॉग पूरा आई थिंक 2 दिन का होगा क्योंकि एक दिन में तो खत्म नहीं होगा देखिए ब्लॉग 30 मिनट्स हो गई है तो ये बस आज का पूरा हमारा ही ब्लॉग था तो इसलिए मैं सोची कि चलो मेरी दोस्त को आपसे मिला देती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे भी पता नहीं था कि वो जो कोर्स हम दोनों कर रहे हैं उस कोर्स में से मुझे एक अच्छी सी प्यारी सी दोस्त मिल जाएगी वो भी मैं मेरे लिए मैं देखो इसके मैं बहुत फास्ट फ्रेंड हूँ मैं इसके घर पे भी आ गई तू मेरे के घर पे बुला ले प्लीज तो नेक्स्ट टाइम मैं उसके घर पे जाने वाली हूँ तो मैं भी वहाँ पे ब्लॉग कर तो वहाँ पे मैं उसका घर दिखाऊंगी वो भी उसके पास बहुत बड़ा टेडी बियर है जो मुझे देखने के लिए मन हो रहा है वो भी 6.5 फीट की उसके साथ वो खेलती रहती है उसका नाम मोटूदा है क्योंकि वो मोटा है और दा मतलब बंगाली में दादा भैया बड़े भैया बड़े भैया बंगाली में दादा तो हमारा डिफरेंट होता है दादा मतलब हमारे पापा की जो भाई होता है तो हम उन्हें दादा बुलाते हैं हम लोग का बोलते हैं जेठू अच्छा वो तो हम तो आपको आज की ब्लॉग कैसे लगी क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा हाँ। तो मैं ये ब्लॉग एडिटिंग नहीं कर रही हूँ जैसा है वैसा ही देने वाली हूँ तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड कमेंट और जरूर एक थम्स अप दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज लाइक तो
जरूर दीजिएगा। देखिए कितनी फिर से सी है। फिर से अगर इस वीडियो और लाइक मिलेगा तो फिर से मुझे खाना मिलेगा प्लीज। और अगर हमारी दोनों की जोड़ी आपको अच्छी लगी, कितनी अच्छी जोड़ी है, मोटू एंड पतलू, अगर मोटू पतलू को भी डांस सीखना है और पानी पूरी गुपचुप का कंपटीशन देखना है तो प्लीज बोलना, क्योंकि हम मिलते रहेंगे इसके घर या हमारे घर। ब्लॉगिंग एक हम लोगों का बहाना है, हम लोग मिलने के लिए तो हमारा माइंड भी रिफ्रेश हो जाएगा, क्योंकि आप अगर अर्पिता से बात करोगे जो भी टेंशन बड़ा हो गया तो यहीं पे मैं वीडियो बाद में आपके साथ मिलने आऊंगी। सो बाय, टेक केयर, सी यू एंड आई विल बी बैक विद अ न्यू ब्लॉग सून। बाय बाय।